हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा फ्रॉम रेड डेस्क क्रिकेट। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया कि साइट शुरू हो गई है, आप वहां पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। www.redicecricket.com। स्पेशलिटी है कि आप हम कस्टमाइज करके देंगे, आपका नाम नंबर आप कुछ भी चाहेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि ये हमारा ऑनलाइन ब्रांड है और एंथम ब्रांड जो हम 25 साल से सेल कर रहे हैं, ये टोटली डीलरशिप नेटवर्क के थ्रू चलेगा। और जैसे कि प्रॉमिस के मुताबिक फिर एक छोटी सी वीडियो, जो 25 साल हो गए काम करते हुए, तो उसका छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। देखिए, ये सिर्फ बैट नहीं है, ये सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं है। ये खेलने वालों से पूछो कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब ऐसे ऐसे लोग देखे हैं 25 सालों में, हजारों के नंबर्स में, कि जिनके लिए ये सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये अटैच होने की चीज है। इसके साथ अटैच हो जाते हैं लोग इतने ज्यादा कि बेडरूम तक में इसको रख लेते हैं कि हाँ, कि बस देख के आंखों की शांति मिलती है। ये सिर्फ बैट नहीं है, इसके साथ लोग अटैच होते हैं। और अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसकी रख रखाव और इसकी संभाल कैसे करनी है, छोटा सा टिप आपको दूंगा आज। देखिए, बैट का लाइफ स्पेन कैसे चलता है। जैसे ये नया बैट है, नया बैट है, हमने खोला इसको, मैलेट से नॉक किया, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, एज के ऊपर टेप कर दी, नॉकिंग चल रही है। पहली स्टेज आएगी बैट की, हल्की हल्की ग्रेन्स खुल जाएंगी, ये हल्की हल्की ग्रेन्स खुल जाएंगी, हमने इसको कुछ नहीं करना, ठीक है जी। दूसरी स्टेज बैट की, ग्रेन्स पहले सीधी खुली, अब ग्रेन्स इस तरफ क्रैक होंगी, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ये लाइफ सर्कल है बैट का। जब ये ग्रेन ऐसे खुलेगी, उसके बाद आएगी तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज क्या होती है, जब बैट में से ये चिप बाहर आने शुरू हो जाएंगे, काम यहाँ पे हमारा शुरू होता है कि हमने करना क्या है। देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे बढ़िया ग्लू होता ही है एपॉक्सी, दो ट्यूबें मिला के जो हम लगाते हैं उसको एपॉक्सी कहते हैं। पर ऑनेस्टली वो बैट के लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि वो सरफेस को हार्ड कर देता है। हमने सिर्फ एपॉक्सी यूज करनी है, सिर्फ थ्रेड बाइंडिंग के ऊपर, जो थ्रेड बाइंड हम करते हैं, हम सिर्फ वो एपॉक्सी से कर सकते हैं। उसके अलावा हमने सरफेस पे कहीं पे भी एपॉक्सी नहीं लगानी, क्योंकि वो हार्ड कर देता है। अब बैट की हमारी तीसरी स्टेज आ गई है, ठीक है जी। जो चिप बाहर आ रही है, एपॉक्सी नहीं पा देनी अंदर, इसको हमने फेविकोल से फिल कर देना है, और उसके बाद इसके ऊपर हमने धागे से बांध देना है या सेलो टेप से, सो दैट कि ये प्रेस हो जाए। प्रेस होने के बाद फिर हमने क्या करना है, उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद सैंड पेपर लेना है, रेगमार जिसको कहते हैं, तो उससे हल्का सा सरफेस हमने बराबर कर लेना है। और उसके बाद फिर हमारे पास ये टेप होती है, ये टेप अवेलेबल है, बैट के साथ फ्री भी मिलती है, ठीक है ना। सही तरीका इसका लगाने का जो है, वो नॉर्मली 99% क्या करते हैं, टेप उठाई हमने, टेप लगा दी, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ऐसे भी आप कर सकते हो, बट सही तरीका क्या है, टेप आपके पास टेप रोल है तो बढ़िया चीज है, अगर नहीं है तो स्ट्रिप से कैसे यूज करना, मैं आपको वही बताता हूं। ये टेप में रेशे होते हैं, फाइबर पत्ते में जो होता है, ये रेशे इस तरफ जाते हैं, इससे क्या होता है, ये जल्दी डैमेज हो जाती है टेप। पर अगर हम टेप को ऐसे लगाएंगे कि जे इसके रेशे सीधे नीचे की तरफ आए, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। ऐसे करके एक के ऊपर एक, मतलब थोड़ा थोड़ा एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ होगा, तो ये ज्यादा देर टेप चलेगी आपकी। ऐसे हमने थ्रू आउट सरफेस पे कर लेना है, हल्का फुल्का अगर ऊपर हो तो हम इसके ऊपर रेगमार मार के इसको प्लेन कर सकते हैं। अब हमारे पास ये फाइबर टेप का पत्ता है, हम सीधा इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, पर अगर हमने इससे अच्छी एडवांटेज लेनी है, तो हम क्या करें, हम इसको ऐसे स्ट्रिप्स में काट लें 4.5-4 इंच की, तो जैसे ये लगाया है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर करके आप पूरे सरफेस पे लगा लोगे, तो वो बेस्ट रिजल्ट देगी, रादर कीजिए हम कंप्लीट फाइबर का पत्ता यूज करें। तो ये बैट का स्पैन होता है, बैट नया लेना कोई मुश्किल चीज नहीं है, पर यह कि थोड़े टाइम बाद बैट के ऊपर जो वियर एंड टियर चलती रहती है, उसको हम टाइमली ठीक करते रहेंगे, तो ये जो हमारी बैट है, ये जितनी देर मर्जी आप चला सकते हो, इसके डैमेज होते रहते हैं,
बट टाइमली इसको फिक्स करते रहे तो ये ज्यादा देर चलती है। तो ये था कि फेविकोल ही यूज करना है हमने, अपॉक्सी यूज नहीं करनी। और दूसरी चीज, हम कभी भी थ्रेड बाइंडर के पास जाते हैं, कुछ बाइंडर क्या करते हैं इसमें कील लगा देते हैं, मेटल का कील बिल्कुल नहीं लगाना है लकड़ी पे, वो खराब हो जाता है। थ्रेड बाइंडिंग हो उसके ऊपर आप अपॉक्सी लगा दें, फेयर इनफ, बट कील कहीं पे भी नहीं लगाना, कील से बैट की लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है। सो ये छोटी सी टिप्स थी जिससे आप अपना बैट ज्यादा देर तक रख सकते हो। आगे भी और वीडियोस आते रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अच्छा लगे तो, बाकी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।